हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ वाइट चना रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये वाइट छोले हैं, इनको मैंने रात को सोक कर दिया था सोने से पहले, और मॉर्निंग में मैंने इनको बॉईल किया है। इसको मैंने बॉईल करने में कहा, इसमें एक मोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और 5 से 6 लौंग, नमक और साथ में बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा भी कहते हैं, 1/4 टीस्पून वो डाला है। अगर आप वो डाल के इसको बॉईल करते हैं तो इससे थोड़ा टेस्ट भी अच्छा आता है, और बेकिंग सोडा इज़ गुड फॉर स्टमक ऑल्सो, पेट के लिए भी अच्छा रहता है। तो अगर आप उसके साथ डाल के बॉईल करेंगे तो इसको 25 to 30 मिनट्स में ये अच्छे बॉईल हो जाएंगे, जैसे कि आप मेरे देख रहे हो, और अदरवाइज़ आपको इसको बॉईल करने में 45 to 50 मिनट्स लगेंगे। तो इसके साथ साथ ही मैंने ये प्याज 4 to 5 मीडियम साइज़ प्याज है, थोड़ा सा गार्लिक है, अदरक, हरी मिर्च, ये मैं इस चॉपर में प्याज चॉप कर लूँगी, लहसुन और अदरक को भी मैं चॉप कर लूँगी। साथ में मैंने 4 टमाटो की प्यूरी बना ली है, 4 देसी टमाटर थे छोटे साइज के। इसके बाद मैंने ये कर्ड मिक्सचर प्रिपेयर किया है, जिसमें मैं आप मैंने जो जो इन्ग्रीडियंट्स डाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ साथ साथ। तो अब हम चलो शुरू, लेट स्टार्ट की, अब हम शुरू करते हैं ये बनाना वाइट छोले। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरी सारी प्रिपरेशन हो गई है वाइट छोलों के लिए, वाइट चनों के लिए, तो मैं अब सबसे पहले इसमें अपना वही येलो मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। जब तक ये ऑयल गर्म होता है तब तक मैं अपने अनियंस चॉप कर लेती हूँ। ये फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ऑयल गर्म हो गया, तो ये एकदम गर्म हुआ है, तो मैंने इसलिए इसकी गैस एक बार बंद कर दिया। अब मैं कुछ सेकेंड्स वेट करके इसमें ये जीरा डाल रही हूँ, और साथ साथ ही मैं हींग डाल दूँगी। ये सब डालते ही मैं ये जो मैंने चॉप किए हुए अनियंस थे वो डाल रही हूँ। इन्हीं अनियंस में ही मैंने अदरक और लहसुन भी साथ ही इनके चॉप कर लिया था। ओके, तो अब मैं इसको एक बार मिक्स कर देती हूँ और गैस को दोबारा से ऑन कर देती हूँ। अब इनको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक मुझे पकाना है, और फ्रेंड्स ये देखिए ऑनियंस का कलर थोड़ा सा अब गोल्डन ब्राउन हो गया, तो ये पक गए हैं। अब मैं इसमें ये टोमेटो प्यूरी, जो मैंने 3 से 4 टमाटर की थी वो मैंने इसमें डाल दिया। ये जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये मेरे 400 ग्राम वाइट चने की है, तो आप इसको एक बार उस हिसाब से आप जितनी क्वान्टिटी आप बना रहे हैं, आप प्रपोर्शन सब चीज़ों का अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और अपनी क्वान्टिटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैंने ये टमाटोज़ डाल दिए हैं, अब मैं जैसे टमाटोज़ के साथ साथ मैं सॉल्ट डालूंगी, तो सॉल्ट हमने उस हिसाब से डालना है जिस हिसाब से हमने चनों में डाला हुआ है, क्योंकि बॉईल करने वक्त भी हमने सॉल्ट डाला है, तो आपको अपना उसी हिसाब से ही सॉल्ट डालना है। मैंने बॉईल करते हुए 1.5 स्पून सॉल्ट डाला था, और अब मैं 1/2 स्पून और डाल रही हूँ। तो ये मैंने सॉल्ट डाल दिया। अब ये टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन, ये सब इकट्ठे अब थोड़ी देर इसको अच्छे से, जब तक मसाला अपना ऑयल नहीं छोड़ देता तब तक इनको पकाना है। ये कर्ड मिक्सचर डालने से पहले मैं 1 से 1.5 चम्मच या अकॉर्डिंग टू टेस्ट कि आपको कितने खट्टे चाहिए, तो उस हिसाब से मैं ये इमली का पेस्ट भी डाल दूँगी, और ताकि इससे थोड़े खटास आ जाए। फ्रेंड्स ये मेरे दही डालने के बाद आप देखिए इसमें अब ऑयल थोड़ा थोड़ा छोड़ना और शुरू कर दिया, दही बिल्कुल अच्छे से ये मसाला पक गया है। अब इसमें मैंने जो हरी मिर्चें क्रिस्प करके रखी हुई थी, क्योंकि मैं बिल्कुल बारीक नहीं काटती, क्योंकि मुँह में कई बार बहुत तीखी होती है तो सिर्फ इसका टेस्ट आ जाता है और मिर्च ज़्यादा लगती है, तो मैं इसलिए दिख रही है, अगर किसी ने नहीं खानी तो वो साइड पर निकाल के रख सकते हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी, ये मैं 1/2 स्पून इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल लाल मिर्च यूज़ ही नहीं कर रही हूँ, तो थोड़ा स्पाइस देने के लिए चनों में वैसे भी काली मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा सा आता है। इसके साथ साथ ही मैंने कर्ड मिक्सचर में अपना होममेड चना मसाला भी डाला था, तो वो सब मैंने इसीलिए मिक्स किया था। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा सा लग रहा है, तो अभी थोड़ा सा और पक जाए
तो मैं इसको चनों में मिक्स करती हूँ। फ्रेंड्स ये मसाला पक गया है, तो मैं इसमें चनों का थोड़ा सा पानी धीरे धीरे इसमें डालूंगी ताकि वो साथ में इसके पक जाए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब ये मेरे चने बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया है। इसमें तड़का पलट, ये मैंने इसमें अब तड़का पलट दिया है। और अब मैं इसको हरा धनिया डाल के एक बार इसको इस तरीके से सेटल कर देती हूँ। और फ्रेंड्स धनिया डालने के बाद मैं इसको एक हल्का सा बॉयल और दिलवा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये मेरे छोले रेडी हो गए हैं। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसे लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स गाइस।